आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने ब्रेड पिज्जा बनाना बता रहे हैं। इसके लिए हमने ब्राउन ब्रेड ली है, सूजी 2 कटोरी, बीन्स बारीक कटी हुई 4-5, 3-4 हरी मिर्च कटी हुई, 1 प्याज बारीक कटी हुई, दही और 2-3 टमाटर बारीक कटे हुए और नमक स्वादानुसार। सबसे पहले हम सूजी को एक बड़े बाउल में लेंगे। उसके फ्रेंड्स, ये मैंने 6 लोगों के हिसाब से सूजी ली है। आप इसे कम ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने परिवार के मेंबर के हिसाब से। मैंने सूजी में अब ये सारी चीज़ें सूजी में मिलानी है। ये हम बारीक कटी हुई बीन्स डालेंगे, हरी मिर्च, प्याज, और ये दही, और बारीक कटे हुए टमाटर, और नमक यहाँ मैं लगभग 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब इसमें इन सब चीज़ों को पहले मिला लेती हूँ। अभी ये अच्छी तरह से हमने इसमें सब चीज़ों को मिला दिया है। अब इसमें आवश्यकता अनुसार हम पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे। ये पानी मिला दिया है और सब चीज़ों के साथ में मिली हुई सूजी को हम आधा घंटे के लिए फूलने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, देखिए आधा घंटा हो चुका है। अब हमारी सूजी आसानी से फूल चुकी है और थिकनेस भी इसकी जैसा हम चाहते हैं वैसी ही है। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया मिला देंगे। हमारे ये सामान तैयार है। अब हम गैस पर नॉनस्टिक तवा भी है या आप सिंपल तवा भी रख सकते हैं। थोड़ा सा इस पर हल्का सा पहली बार चिकनाई लगा देंगे। थोड़ा सा गैस ऑन कर रखी है। अब हम ब्रेड के ऊपर इस पेस्ट को लगाएंगे। आसानी से आराम से सब तरफ फैलाते हुए लगाएंगे। और इसे इस तवे पे, अब हमारा तवा गर्म हो चुका है और इस तवे पे आसानी से उल्टा करके रख देंगे। इसी तरह से हम और ब्रेड पे लगाकर उसे भी, अब हम इसे पलट के देखते हैं क्या ये हमारे सीख गए हैं। हल्का ब्राउन हो चुके हैं और हम दूसरी तरफ से भी थोड़ा थोड़ा सेक लेंगे। अब हमारे ब्रेड पिज्जा सिक चुका है।
और अब हम इसे प्लेट में सर्व करें। अब ये आप हरे धनिया की चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं। हमारा ब्रेड पिज्जा तैयार है। ये ऐसा नाश्ता है जो बिल्कुल ही ऑयल फ्री है और साथ में बहुत ही आसानी से घर में उपलब्ध होने वाली सामान के साथ में तैयार किया गया है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो फन एंड फूड में लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जरूर करें।